बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली, वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि अगर कोई भी शख्स है वो कोई प्रॉपर्टी परचेज करता है और उसके ऊपर सेल डीड करवाता है, रजिस्ट्री करवाता है, और रजिस्ट्री के अंदर कोई सी किस्म की कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, चाहे वो CNAC की है, नाम की है, या जो रकबा जो प्रॉपर्टी है उसके किसी भी डिस्क्रिप्शन के अंदर उसकी जो तमाम तफसीर है उसके अंदर किसी किस्म की अगर कोई गलती हो जाती है, तो आप उसको किस तरह से करेक्ट करवा सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर इस के तमाम प्रोसीजर के ऊपर बात करेंगे। तो मौजू की तरफ जाने से पहले सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसके ऊपर आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसके के हवाले से नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुँचते रहें। देखिए, अगर तो आपकी प्रॉपर्टी है उसके रिकॉर्ड के अंदर कोई गलती है, जिस तरह से प्रॉपर्टी जो है उसमें पटवारी के पास उसका रिकॉर्ड मौजूद है, उसके प्रॉपर्टी के जो रजिस्टर है उसका दाखिल खारिज का उसके ऊपर या उसके जो अंदराज है उसके ऊपर कोई गलती मौजूद है, या कोई रकबा है जो कि ऐसा एरिया के अंदर है जिसका रिकॉर्ड कंप्यूटराइज हो चुका है और वहाँ पर रकबे के अंदर किसी किस्म की कोई गलती है, तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी जो है वो डिटेल से वीडियो बना चुका हूँ कि उसकी करेक्शन का क्या तरीकाकार है। उसका लिंक आपको इस वीडियो के लास्ट के ऊपर मिल जाएगा कि आप उसके ऊपर फर्द बदर बनती है वो किस तरह से बनती है, उसकी करेक्शन क्या होती है, उसका तमाम प्रोसीजर मौजूद है। इस वीडियो में हम सिर्फ रजिस्ट्री की हद तक, सेल डीड की हद तक देखेंगे कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज की है और उसके ऊपर आप रजिस्ट्री करवा रहे हैं तो देन जो है वो उसके अंदर अगर कोई गलती हो जाती है तो आपने उसको किस तरह से करेक्ट करवाना है। देखिए, जितने भी कोई भी प्रॉपर्टी आप परचेज करते हैं और उसकी जितनी भी रजिस्ट्री की तैयारी है या करने की है, वो तमाम प्रोसीजर जो है वो आप किसी लॉयर को देते हैं कि आप इसके ऊपर हमें रजिस्ट्री करवा दें। तो बिलाशुबा तमाम लॉयर जितने भी हैं वो रजिस्ट्री जब भी लिखते हैं उसकी तमाम जितने भी कवायफ हैं उनको अच्छी तरह से चेक कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि इंसान है, इंसान से गलती हो भी सकती है, लिहाजा आप जब भी कहीं पर भी किसी लॉयर से भी रजिस्ट्री करवाने के लिए जाएं तो वहां से उनसे रजिस्ट्री की एक कॉपी ज़रूर हासिल करें, और उसके बाद आप उसको एक दफ़ा लाजमी तौर पर रीड आउट लाजमी करें, क्योंकि जितने भी हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं और कोई भी रजिस्ट्री देने के लिए दी होती है हमें करने के लिए, और जब मुकम्मल हो जाती है आते हैं रजिस्ट्री के बयानात करवाने के लिए और सिग्नेचर का टाइम आता है, तो शायद ही कोई ऐसा क्लाइंट आता है जो कि हमसे रजिस्ट्री की कॉपी लेके या रजिस्ट्री उसी वक्त पर देके कम से कम उसको रीड आउट कर लेता है कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। अदरवाइज जितने भी आते हैं आन के सिर्फ सिग्नेचर करते हैं और अपनी स्टेटमेंट देते हैं और चले जाते हैं। तो लाजमी तौर पर जब भी आप अपनी कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, चाहे आप सेल कर रहे हैं चाहे परचेज कर रहे हैं, तो लाजमी तौर पर कोई भी या वैसे भी कोई एग्रीमेंट है, कोई भी तहरीर है जहां पर आपको सिग्नेचर करने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको लाजमी जो है वो रीड आउट कर लिया करें। और इस तरह से जब भी आप किसी वकील के पास भी अगर जाते हैं और उसके प्रॉपर्टी की जो आप रजिस्ट्री करवा रहे हैं उसकी कॉपी लें और उसको एक अच्छी तरह से रीड आउट करें, कम अज़ कम आप अपना नाम, वल्दियत, CNAC और जो आपकी प्रॉपर्टी है उसके क्वाइफ को लाजमी चेक करें कि जो जितनी आप रकबे की प्रॉपर्टी करवा रहे हैं उतनी ही है और उसकी जो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है वो बिल्कुल दुरुस्त है, और आपका नाम, वल्दियत और CNAC वगैरह जो है वो दुरुस्त है, तो ये चीज़ें आप लाजमी तौर पर असल जो है वो चेक किया करें। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि आपने रजिस्ट्री करवाई है उसके अंदर किसी किस्म की कोई गलती हो गई है, जिसके अंदर नाम की गलती हो गई है, CNAC की हो, या प्रॉपर्टी की किसी किस डिस्क्रिप्शन की जो है वो उसकी तफसील की जो है वो कोई गलती हो गई है, और आपकी रजिस्ट्री जो है वो एग्जीक्यूट हो चुकी है, रजिस्ट्री पास हो गई है, अब यहाँ पर जो है वो उसके अंदर गलती मौजूद है, तो उसको आपने किस तरह से करेक्ट करवाना है। इसके लिए जो है वो आपको 3 बार रजिस्ट्री करवाने की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए आपने क्या करना होता है कि तहरीरी सूरत के अंदर एक एप्लीकेशन जो है और उसके ऊपर वैल्यू के प्रॉपर जो है वो स्टाम्प लगा के उसके ऊपर आपने तमाम लिखना है कि ये आप 3 बार रजिस्ट्री करा रहे हैं, उसके अंदर लिखना है कि ये इस नंबर की रजिस्ट्री फलां तारीख को इससे इस बंदे को जो है वो नाम इस सब रजिस्ट्रार के पास जो है वो एग्जीक्यूट हुई है और उसके अंदर ये गलती जो है वो मौजूद है। साथ आप एक एप्लीकेशन लगा के और बयान हल्फी जो है वे एफिडेविट लगा के उसी सब रजिस्ट्रार के पास जहां पर आपने अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा के अपनी रजिस्ट्री को एग्जीक्यूट करवाया था उसके पास एप्लीकेशन मूव करेंगे।
वो उसके बाद जो है वो मुतलका नीचे तमाम जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ से रजिस्ट्री के तमाम प्रोसीजर मुकम्मल हुआ है, इसी तरह से प्रॉपर्टी के ऊपर जो पटवारी है या कंप्यूटर सेक्शन है उसने जो फर्द इशू की है उसके ऊपर भी तमाम रिपोर्ट तलब करेगा कि आप इसकी तस्दीक करें, क्या ये जो गलती बता रहा है क्या क्या ये दुरुस्त है इसकी, और इसके अंदर जो है यही चीज़ें क्या गलती मौजूद है। उसके बाद तमाम जितने भी नीचे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं जिसके अंदर जो मुतलका पटवारी है वो उसके ऊपर रिपोर्ट करेगा, रजिस्ट्री ब्रांच के अंदर जितने भी लोग हैं जहां से रजिस्ट्री मुकम्मल हुई है वहां से जो है वो इसके ऊपर मुकम्मल रिपोर्ट आएगी, और रिपोर्ट आने के बाद जो है वो सब रजिस्ट्रार उस रिपोर्ट को देखेगा कि क्या वाकई ही ऐसी गलती जो है वो पाई गई है और इसके अंदर रिकॉर्ड के अंदर और रजिस्ट्री के अंदर इस चीज का फर्क पाया गया है, तो देन इसके ऊपर जो है वो फौरी तौर पर उसके ऊपर आपकी जो ततीमा रजिस्ट्री है उसको जो है वो दोबारा जो है वो उसके ऊपर पास कर देगा, और उसके अंदर जो है वो आपकी दोबारा आपको नए सिरे से रजिस्ट्री करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसी के अंदर जो है वो ततीमा रजिस्ट्री आपके उसके साथ जो है वो लिंक हो जाएगी, और उसके अंदर जो है वो आप ततीमा रजिस्ट्री जो है उसके थ्रू जो है वो बाद के अंदर आप अपनी जो अगर कोई प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन के अंदर गलती है या नाम के अंदर गलती है तो उसी के थ्रू आप आगे जो है वो पटवारी से उसके ऊपर इंतकाल नंबर हासिल करके उसका अपना इंतकाल प्रॉपर्टी का हासिल कर सकते हैं, और इसके अलावा जो है वो इन फ्यूचर अगर कहीं पे भी आपको यूज करने की कहीं पे भी जरूरत पड़ती है, कहीं भी दस्तावेजात की जरूरत पड़ती है तो आपको जो है वो ततीमा रजिस्ट्री जो है वो उसके साथ जो पहले वाली रजिस्ट्री और ततीमा रजिस्ट्री दोनों को आप जो है वो अपने साथ रखेंगे और उनको जो है वो आप यूज कर सकते हैं। इस मौजू से मुतलका अगर आपका कोई सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।